नेक्स्ट आओ भी नंबर 41 आ जाओ। नंबर 41 आओ प्रिज्यूमली, ठीक है जी। लिखो इसका मतलब अपेरेंटली, बज़ाहिर, अपेरेंटली। लिखो सीमिंगली, लिखें जी सपोजिडली। ये आ गया प्रिज्यूमली। नेक्स्ट आ जाओ जी, लिखो नंबर 42 लार्डर, LARDER लार्डर। ये इसे कहते हैं स्टोर हाउस, जहाँ चीज़ें जमा करने स्टोर है। लिखो लिखो पेंट्री, PANTRY, पेंट्री आ गया भी। लिखो स्टोर है, पेंट्री है, उसे कहा जाता है। एक और भी लिख लो कबर्ड, यानी वो जगह जहाँ चीज़ें महफूज की जाती हैं, वो आ गया। बल्कि एक और नोट कर लें, ग्रेनरी है, GRANARY, ग्रेनरी। नंबर आओ जी 43 आओ। 43 में लिखो फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल कहते हैं भी लापरवाह को। लिखो केयरलेस, केयरलेस, या एक और लिखो थॉटलेस, थॉटलेस है भी, केयरलेस या थॉटलेस ही आ गया, फॉरगेटफुल आ गया। नेक्स्ट आ जो भी नंबर 44, लिखो ब्रीड, ब्रीड कहते हैं भी पालना पोसना, पैदा करना। लिखो रिप्रोड्यूस, नर्चर। लिखो रेज, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं जी आप लोग इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट तहकीकात करना, तफ्तीश करना। लिखो प्रोब है, एग्जामिन है, लिखें जी प्रोब है, एग्जामिन है। लिखो इंस्पेक्ट है, और एक और लिखो इंक्वायर है। नेक्स्ट आ जो भी नंबर 46 इनहिबिट, INHIBIT इनहिबिट। लिखो इसका मतलब भी रोक देना, रेस्ट्रेन। लिखो हिंडर, यानी रुकावट बनना। लिखो प्रीवेंट और रिप्रेस, यानी सबका मतलब है स्टॉप करना, रोक देना। नेक्स्ट है जी 47, लिखो ब्रॉथ। लिखो ब्रॉथ का मतलब सूप, SOUP, सूप, यानी यखनी, सालन वगैरह उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जी नंबर 48, प्लेट है, प्लेट एज ए वर्ब आया भी, इसका मतलब है कवर करना, चढ़ाना। लिखो कवर आ गया, कोट आ गया, शीट आ गया, यानी किसी चीज़ को दूसरी से बिछड़ा देना, वो आ गया प्लेट। नेक्स्ट आओ भी आप लोग लिखो नंबर 49, मैस है, MASS, मैस। मैस के कई मतलब, जो यहाँ आ रहा है वो लंप है भी, LUMP, लंप, एक गोला भी बड़ा सा। नेक्स्ट आ जाए भी नंबर 50 आ गया, स्ट्रेन है, स्ट्रेन कहते हैं भी फिल्टर करना, FILTER, फिल्टर। तो इसको नोट करो, फिर मैं साफ करूं। नेक्स्ट आओ जी 51 जा रहा है। लिखो फेवरेबल, लिखें जी फेवरेबल, इसका मतलब लिखो पॉजिटिव, लिखो प्रॉमिसिंग, अप्रूविंग। लिखो एनकरेजिंग, ये आ गया फेवरेबल भी। नेक्स्ट होगी नंबर 52, टॉक्सिक, जहरीला भी। लिखो पॉइजनस, पॉइजनस है। लिखो डेडली है, नॉक्शस है, NOXIOUS, नॉक्शस है भी, ये टॉक्सिक आ गया। नेक्स्ट आ जो भी ऑब्स्टेकल है, रुकावट, ऑब्स्टेकल। लिखें हिंड्रेंस, पहला लफ्ज है जी हिंड्रेंस। लिखो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। लिखो इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। नेक्स्ट आ जो नंबर 54, क्रूड,
क्रूड कहते भी खाम चीज़ को जो पहली शेप में होती है, लिखो रॉ, आर ए डब्ल्यू रॉ भी, या लिखो नेचुरल, या लिखो रफ, रफ भी, वो आ गया क्रूड आ गया। नंबर 55 है अनस्टेबल। अनस्टेबल कहते हैं भी वीक, कमज़ोर को, या लिखो चेंजेबल, जो चीज़ बदल जाती है, शक्ल बदल देती है, उसको कहते हैं अनस्टेबल भी, चेंजेबल कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया नंबर 56, लिखो कंसंट्रेट। कंसंट्रेट है भी, लिखो मेक डेंसर, घना करना किसी चीज़ को, मेक डेंसर, स्ट्रॉन्गर और प्योरर। स्टॉप। अच्छा जी, 57 पे आ जाओ, लिखो 57 का मतलब, फिर से लिखो लव्स है फाइंडिंग, लिखो फाइंडिंग का मतलब भी डिस्कवरी, दरियाफ्त को कहा जाता है, लिखें डिस्कवरी भी, या एक और लिखो रिजल्ट, ये आ गया फाइंडिंग भी। नंबर 58 आ जाओ, रिकग्नाइजेबल। रिकग्नाइजेबल यानी जिसको काबिल पहचान है भी, लिखो आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, आइडेंटिफिएबल, या लिखो डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल पहचान के काबिल। नेक्स्ट हो भी 59, लिखो वाई काउंट, VISCOUNT पढ़ना इसको, वाई काउंट है ये, एक टाइटल है भी इंग्लैंड के अंदर, तो लिखो अ ब्रिटिश नोबल मैन, बस इसका ये लिख लो, अ ब्रिटिश नोबल मैन, वाई काउंट। नंबर 60 आ गया, लिखो फोर्ज, इसका मतलब है बनाना, मेक है, फॉर्म है, लिखो इन्वेंट है यानी ऐजाद करना, नोट करो फिर साफ करें। अच्छा जी, 61 आ जाओ, हेल है भी, हेल का मतलब वेलकम करना होता है भी, वेलकम है, या लिखो ग्रीट है, लेकिन इसी हेल का मतलब भी जाला बारीक भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब वेलकम करना, खुशामदीद कहना भी होता है। नंबर 62 लिखो नाइट, KNIGHT, उर्दू में लिख लो किसी आदमी को सर का खिताब देना, यानी किसी के नाम के साथ सर लगा देना, आप लिखो इसमें गिव अ मैन, किसी आदमी को देना, लिखो एन ऑनरेरी, HONORARY, एजाजी रैंक दर्जा, यानी इसमें कह रहा हूँ कि सर का खिताब दे देना, तो उसको नाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ अभी नंबर 63, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी है भी, लिखो ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, लिखो थैंकफुलनेस, और एक और लिखो एप्रिसिएशन, तारीफ, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट आओ जो भी नंबर 64 आ गया, ओव है भी, OWE, ओव, इसका मतलब है भी कर्जदार होना, मकरूज होना, लिखो इनडेटेड, इनडेटेड। नंबर 65 आओ, प्रोटेस्ट है भी, एहतजाज करना, लिखो ऑब्जेक्ट है, लिखे कंप्लेन है, यानी एहतजाज करना, शिकायत करना, उसे कहा जाता है प्रोटेस्ट करना जी। नंबर 66 है ह्यूमिलिटी, आजजी और इनकिसारी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी, लिखो आजजी इनकिसारी, और लिखें मॉडेस्टी, मॉडेस्टी है जी। नेक्स्ट आओ नंबर 67, हीलिंग यानी भी तंदुरुस्त करने वाली बात, तो लिखो क्योरिंग, CURING, क्योरिंग। नोट आपने सारे फास्ट करने, चाहे मैं एक लिखवा रहा हूँ, लिखो विगरसली, VIGORUSLY, विगरसली, इसका मतलब है फोर्सफुली,
ताकत से भी, जोर से, फोर्सफुली. नेक्स्ट है 69, एक्यूज, ACCUSE, इल्ज़ाम लगाना. लिखो चार्ज है, लिखें ब्लेम है, इल्ज़ाम लगाना. नंबर 70 है भी, लॉली है भी, इसका मतलब है सिंपल, इसका मतलब है प्लेन, सादा, बिल्कुल सादा. तो इसको नोट करो, फिर मैं साफ करूँ. नंबर 71 लिखो लाइमलाइट. लाइमलाइट भी शोहरत को कहते हैं. लिखो पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी, या लिखें फेम, FAME, फेम, शोहरत को कहा जाता है अभी. नंबर 72 आ गया ग्लीमिंग. ग्लीमिंग का मतलब है भी चमकदार, शाइनिंग, शाइनिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, चमकती दमकती, चमकदार भी उसे कहा जाता है. नंबर 73 है जी सैंक्टम. सैंक्टम कहते हैं भी एक मुकद्दस जगह, ठीक है. लिखो सैक्रेड प्लेस, मुकद्दस जगह, या लिखो प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट प्लेस, वो आ गया सैंक्टम आ गया. नेक्स्ट है भी नंबर 74, अचीवमेंट, कामयाबी है. आप लिखो सक्सेस, लिखो अटेनमेंट, अटेनमेंट. नेक्स्ट आ जाओ 75, लुकआउट. लुकआउट एक लफ्ज़ है, दो नहीं करने, एज ए नाउन यूज किया गया. लिखो लुकिंग, गार्डिंग, या लिखो वॉचिंग, वॉचिंग उसे कहा जाता है जी. नंबर 76 है जी प्रोवोक है. प्रोवोक का मतलब होता है भी स्टिमुलेट, मूव करना. लिखो स्टिमुलेट है, इंस्पायर है, लिखो मूव है. और भी लास्ट है कॉन्फर, अता करना है, दे देना है. लिखो बेस्टो है और गिव है भी. तो यूं भी आपका चैप्टर 13 के सिनोनिम्स का आज का मुकम्मल हुआ. आप इनको अच्छी तरह से नोट करो और इनको ज़ाया नहीं करना. अब देखते हैं कि कॉलेजेस खुलते हैं या नहीं खुलते, चूँकि अभी भी कुछ शायद शक शुभ पड़े हुए हैं कि शायद ना खुले. तो इसलिए इसको अच्छी तरह नोट कर लो, इन सिनोनिम्स को. आज मैं ये अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, और कल से फिर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, खुदा हाफिज़.